हाय फ्रेंड्स, मैं हर्षदा उज्जल किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज्वार की रोटी। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है। ये गुनगुने पानी ये पूरे फ्लोर में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पूरा गुनगुने पानी से इसको अगर बनाया तो ये टूटता नहीं है, इसलिए इसमें गुनगुना पानी डालते हैं। पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। अपने हिसाब से इसमें गुनगुना पानी डालना है, इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। ऐसा पूरा दो तीन बार इसको गूंथना है, बहुत ज़्यादा। जितना आप इसको ज़्यादा गूंथोगे उतना ये टूटेगा नहीं जल्दी। ऐसा हाथ से इसको पूरा मसल मसल कर गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे तरह से इसको सॉफ्ट कर लेना है। मैंने जैसा आपको गूंथने के लिए बोला है वैसा ही गूंथना है इसको। उसकी वजह से बहुत परफेक्ट ज्वार की रोटी आएगी। मैंने इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है, क्योंकि आपको ज्वार की रोटी परफेक्ट आनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरे पार्ट दिखाए। ये ऐसा पूरा इसको हाथ पे लेके ऐसा गोल गोल घुमा के इसको कर लेना है। बीच में का जो आटा रहता है वो थोड़ा सा मोटा आना चाहिए, ऐसा रखना है उसमें, क्योंकि करते वक्त वो बीच में टूटेगा नहीं। फिर ऐसा पूरा गोल घुमा घुमा के इसको ऐसा हाथ पे थोड़ा सा लेके, अभी ये मैं थपथपाने वाली हूँ नीचे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाला है नीचे, और इसको ये ऐसा पूरा गोल घुमा घुमा के मैं थपथपा रही हूँ। जिधर थोड़ा थोड़ा टूटता है उधर ज्वाइन करके अच्छे से इसको थपथपा लेना है, और ऐसा गोल गोल घुमाते रहना है। उससे उसका शेप बढ़ता है। फिर थोड़ा सा पानी का हाथ ले लेके उसको थपथपाना है, कि फिर वो हाथ को चिपकता नहीं है। आप इसको जिस पे आप रोटी बेलते हो उस पे भी ले सकते हो थपथपाने को। ये मैंने अभी ये परात में लिया है। पूरा ऐसा अच्छे तरह से मैंने थपथपा लिया है। देखो इसको इसको कितना अच्छे तरह से शेप आ रहा है, बड़ा शेप हो रहा है इसका। धीरे धीरे से गोल घुमा के इसको शेप देते जाना है। अब ये मेरी ज्वार की रोटी थपथपा के तैयार है। ये इसको मैं अब ये अब थोड़ा सा पानी लेके इसको सब इधर से थोड़ा सा फैला लेना है, और इसका हाई फ्लेम रखना है। जब मैं इस पे रोटी डालती हूँ ये पलटा लेना है। जब थोड़ा सा पानी सूख जाए तब इसको पलटा लेना है, और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे होने देना है। ये मैंने अभी तवे से निकाल के गैस के फ्लेम पे लिया है। अब मैं इसको एक साइड से पूरा सेक लेने वाली हूँ, उसके बाद ये मैंने उल्टा करके दूसरे साइड से भी इसको सेक लेना है। ऐसा बलून जैसा दिखेगा आपको फूला हुआ। अब ये पूरे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है इसको। ये मेरी ज्वार की रोटी तैयार है। ये मेरे ननद ने बनाई है, उनके हाथ की बनी हुई रोटी है ये। अब मैं आपको दूसरे टाइप की रोटी बनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, जो हाथ पर की ज्वार रोटी है। ये मेरे बड़े बहन ने बनाई है। ये अच्छी तरह से आटा गूंथना है, सेम प्रोसीजर, गुनगुना पानी लेके ही ऐसा आटा बनाना है। इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जो मैंने आपको पहली रेसिपी में बताया था, बस वैसा ही पानी, गुनगुना पानी लेना है। इसको अच्छी तरह से मल मल के आटा गूंथ लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए।
और इसको हाथ से ऐसा पूरा सर्कल बनाते हुए ये ऐसा पूरा अच्छे से दबा के इसका गोला बना लेना है। अब हाथ को थोड़ा सा पानी लगाना है क्योंकि वो हाथ को चिपक ना जाए, और ये इसका ऐसा गोल सर्कल करके बीच में का भाग थोड़ा सा ऊपर लेके, जो पार्ट है बीच में का वो थोड़ा मोटा चाहिए, और ये ऐसा इसको हाथ पे थप थपा लेना है, काट से ही इसको थप थपा के जाना है। बीच में फिर मोटा रहता है ये, बीच में मत इसको थप थपाना। और इसका शेप देखो अब कैसा बड़ा होते जा रहा है। हाथ पर की रोटी थोड़ी हार्ड रहती है, इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए बनाने को। ये मैंने अभी इसको सेकने को डाला है। मेरी बड़ी बहन ज्वार की रोटी बहुत अच्छी बनाती है, इसलिए मैंने उसका शूटिंग लिया है। ये स्पेटुला की सहायता से पूरी तरफ से इसको निकालना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। पूरी सर्कल राउंड में घुमा के इसको सब इधर से ऐसा अच्छी तरह से निकाल लेना है, फिर हाथ पे लेके इसको उल्टा करना है। इसको भी नीचे से पूरा स्पैटुला घुमा के ऐसा सब इधर से निकाल लेना है क्योंकि ये चिपक ना जाए। इसको हाई फ्लेम पे सेक लेना है। अब ये मैंने गैस का हाई फ्लेम पे इसको एक साइड से पूरा सेक लेना है, इसको थोड़ा बलून के जैसा ये फूकना चाहिए, तब तक इसको सेकता है एक साइड से। दूसरे साइड से सेकते वक्त इसको बलून जैसा शेप आएगा, थोड़ा सा मोटा फूगा हुआ। ये सब साइड से ऐसा अच्छी तरह से घुमा के इसको सेकना है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए सब धन्यवाद।